क्या कभी ऐसा सोचा है कि एग्जाम में न्यूमेरिकल सॉल्व तो कर लिया हमने, लेकिन जिस क्वांटिटी को हमने कैलकुलेट किया है उसके यूनिट ही हम भूल जाएं? तो सोचिए कि कितनी विचित्र स्थिति होगी कि हमने न्यूमेरिकल तो बहुत सही सही सॉल्व कर लिया, बट जो क्वांटिटी हमने डिराइव किया, जो क्वांटिटी हमने कैलकुलेट की, उसके यूनिट हम भूल जाएं। जैसे फोर्स कैलकुलेट किया हो और उसकी यूनिट भूल जाएं, कैपेसिटेंस कैलकुलेट किया हो उसकी यूनिट भूल जाएं, टॉर्क कैलकुलेट किया हो और उसकी यूनिट ही भूल जाएं, है ना? तो सोचिए कि ये कितनी विचित्र स्थिति होगी। क्योंकि आज के स्टूडेंट्स में सेल्फ स्टडी की टेंडेंसी बहुत कम है, चीजों को याद रखने में उनका इंटरेस्ट बहुत ही कम है, तो इस तरह की समस्या उनके सामने में आना बहुत आम बात हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम्स के दौरान ऐसे सिचुएशन से बच सके, इसके लिए मैं इस वीडियो के थ्रू ट्वेल्थ के सबसे पहले चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, इम्पोर्टेंट क्वांटिटीज हैं, उनकी यूनिट्स क्या होती है, इसके बारे में यहाँ हम बात करेंगे। और मेरी सलाह होगी कि स्टूडेंट्स इस वीडियो में मेरे साथ साथ उन क्वांटिटीज के यूनिट्स को याद भी करते चलें, ताकि उनको अपने एग्जाम्स के समय में इस तरह की स्थिति का सामना ना करना पड़े कि न्यूमेरिकल तो कैलकुलेट कर लिया, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया, लेकिन यूनिट भूल गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होती है कूलम, जिसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसकी यूनिट होती है न्यूटन, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तीसरी क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर। तीसरी क्वांटिटी है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, जिसको हम रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, क्योंकि ये सेम टाइप की क्वांटिटीज का रेशियो होता है, ठीक? तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी यूनिट लेस होती है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। नेक्स्ट एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, जिसको कि हम एप्साइलन नॉट से भी जानते हैं, इसकी यूनिट होती है कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स टू। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स टू। नेक्स्ट डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम्ब मीटर। नेक्स्ट इज टॉर्क, टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन मीटर। नेक्स्ट यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो उसमें पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी यूनिट होती है कूलम्ब पर मीटर या फिर कूलम्ब मीटर इनवर्स। दूसरा इसमें होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसकी यूनिट होती है कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर या फिर कूलम्ब मीटर इनवर्स टू। और तीसरी है इसमें वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी यूनिट होती है कूलम्ब पर मीटर क्यूब या फिर कूलम्ब मीटर इनवर्स थ्री। नेक्स्ट जो क्वांटिटी है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स। क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स, ठीक। आगे बढ़ते हैं, वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल, कैपिटल जे से इंडिकेट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या होगी? जूल, क्योंकि ये भी एनर्जी ही है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होगी? वोल्ट होती है, कैपिटल वी से इंडिकेट करते हैं।
पोटेंशियल ग्रेडियंट करके एक टर्म आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, E इज इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डीआर, उसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट पर मीटर या फिर वोल्ट मीटर इनवर्स। और लास्ट कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फराड, कैपिटल एफ से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो मैं फटाफट एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, सभी बच्चे जो ट्वेल्थ में हैं वो मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे। चार्ज कूलम, फोर्स न्यूटन, इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, रिलेटिव परमिटिविटी या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, नो यूनिट, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी कूलम स्क्वायर, न्यूटन इनवर्स, मीटर इनवर्स टू, डाइपोल मोमेंट कूलम्ब मीटर, टॉर्क न्यूटन मीटर, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी कूलम्ब पर मीटर, सरफेस चार्ज डेंसिटी कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कूलम्ब पर मीटर क्यूब, इलेक्ट्रिक फ्लक्स न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जूल वर जूल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट, पोटेंशियल ग्रेडियंट वोल्ट पर मीटर, और लास्ट कैपेसिटेंस फराड। ठीक है, तो होप कि इस वीडियो के थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के जो मेन फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जो इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनकी यूनिट्स को याद करने में ये वीडियो मदद करेगा। लास्ट में एक बात मैं स्टूडेंट से शेयर करना चाहता हूं कि अगर आपको पढ़ाई में कोई समस्या आ रही हो किसी भी तरह की, तो आप लोग मुझसे बेहिचक मेरे नंबर 0917997901 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा यही नंबर व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप पे चैट के थ्रू मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने एक्सपीरियंस के थ्रू कि आपकी मैं हेल्प कर सकूं, जिससे आप बेहतर तरीके से पढ़ सकें, आसान भाषा में फिजिक्स को समझ सकें।